आप अपने नजदीक के रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर करजत स्टेशन उतरे और ईस्ट में आए। वहाँ से आपको शेयर ऑटो पकड़कर नडाल चौक उतरना है। वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही पंचायतन मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित की स्वागत करता हूँ आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल में। तो फिलहाल मैं हूँ करजत जिले में स्थित नडाल चौक के पंचायतन टेम्पल में। तो आज मैं आपको इस टेम्पल की यात्रा कराने वाला हूँ। तो श्री क्षेत्र पंचायतन मंदिर, मंदिर परिसर के सामने ही आपको कार पार्किंग के लिए जगह अवेलेबल है। ये कार पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो बाइक पार्किंग के लिए भी जगह यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर भक्तों के लिए भक्त निवास भी बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर वन नाइट स्टे करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ देकर आप इस भक्त निवास में वन नाइट के लिए रह सकते हो। ये है इस मंदिर का भव्य गेट। अंदर आते ही गेट पर ये 2 स्टैचू हाथी आपको स्वागत कर नजर आएंगे। इतना खूबसूरत मंदिर आपने कभी नहीं देखा होगा। ये मंदिर करजत स्टेशन से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पहला मंदिर शिरडी के साईं बाबा का है। यहाँ आपको साईं बाबा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होंगे। यहाँ हमें 5 भगवानों के दर्शन करने मिलने वाले हैं, इसीलिए इस मंदिर को पंचायतन मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर बहुत ही शांत और खूबसूरत है। दूसरा मंदिर है श्री मयूरेश्वर गणेश मंदिर। गणेश जी की खूबसूरत सी प्रतिमा यहाँ पे हमें दर्शन के लिए दिखाई देती है। उसके बाद ये है तीसरा मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस मंदिर में हमें बजरंगबली की सुंदर सी और मनमोहक प्रतिमा के दर्शन मिलते हैं। उसके बाद चौथा है श्री नारायणेश्वर महादेव मंदिर। और यहां हमें शिवजी के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। उसके बाद आता है पांचवा और आखिरी मंदिर, श्री भवानी माता मंदिर। यहाँ पे हमें भवानी माता की खूबसूरत सी प्रतिमा दिखाई देती है। ये प्रतिमा बहुत ही मनमोहक है। Thank you.
तो दोस्तों कैसे लगा आज का हमारा ये ब्लॉग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरिओम विठ्ठला।